हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डीके गौतम अपने यूट्यूब चैनल स्टडी डॉट इन में आपका स्वागत है। जो लोग भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। आज मैं क्लास टेंथ का हिंदी का पार्ट वन श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम एक की बात करते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है उसके लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर बी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो की। तो दो नंबर क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है ए में अशिक्षा को, बी में सभ्य समाज को, सी में जनसंख्या को और डी में उद्योग धंधे को। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब होने वाला है, लेखक ने बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। चलिए इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की। डॉक्टर अंबेडकर की माता का क्या नाम था, डॉक्टर अंबेडकर की माता का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए है रानीबाई, ऑप्शन नंबर बी है भीमाबाई, ऑप्शन नंबर सी कुंतीबाई, ऑप्शन नंबर डी शीलाबाई। तो इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, भीमाबाई। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग चार की। तो क्वेश्चन नंबर चार है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट डॉट है, यानी आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश डैश है, यानी खाली जगह है। तो आपको इसका जवाब जो है बताना है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है लाभदायक, ऑप्शन नंबर बी है हानिकारक, ऑप्शन नंबर सी है अनुकूल और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हानिकारक। चलिए हम क्वेश्चन नंबर पाँच की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच है, अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, यानी अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है रामदेव सकपाल, ऑप्शन नंबर बी है किशुन सकपाल, यहाँ पे दोस्तों सक होगा तो हो गया है, ऑप्शन नंबर डी है आपको, ऑप्शन नंबर सी है रामजी सकपाल और ऑप्शन नंबर डी है राधे राम सकपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रामजी सकपाल। चलिए हम क्वेश्चन में बात करते हैं छः की, मूक नायक क्या है, यानी मूक नायक क्या है। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि मूक नायक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मूक नायक क्या है, जिसका ऑप्शन जो आपको है वो आपको दिख रहा है, जिससे कि आप बता सकते हैं कि मूक नायक क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अखबार, ऑप्शन नंबर बी है पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी है पुस्तक, ऑप्शन नंबर डी है कहानी संग्रह। यहाँ पे संग्राम हो गया है, संग्रह होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपको सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रिका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन वहाँ बात करते हैं सात की, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो आप हमें जल्दी से बताएं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। सो ठीक है, जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कहानी, ऑप्शन नंबर बी है भाषण, ऑप्शन नंबर सी है निबंध, ऑप्शन नंबर डी है साक्षात्कार। ठीक है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो आप जल्दी से हमें बताएं। इसका जो आपको सही आंसर होने वाला है, सो ऑप्शन नंबर ए है आपको कहानी, भाषण, निबंध और साक्षात्कार। इसका जो आंसर सही जवाब होगा सो होगा आपको निबंध। ठीक है, इसलिए इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आठ है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए, यानी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे कहाँ गए थे। ठीक है,
तो इसका भी ऑप्शन आपको जो है दिख रहा है, सो आप जल्दी हमें बताएं। तो इसका जो ऑप्शन है, ए में इटली, दो में अफ्रीका, तीन में न्यूयॉर्क और डी में है आपको दक्षिण कोरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क। चलिए क्वेश्चन बात करते हैं 9 की। सब समाज की आवश्यकता क्या है? तो सब समाज की जो आवश्यकता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपको श्रम विभाजन है, ऑप्शन नंबर सी जो है अनुबम है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपको दूध पानी है। तो सब समाज की आवश्यकता क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रम विभाजन। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में।